हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग को लेकर के। तो यस, आज हम रीड करने वाले हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, आप सिर्फ लव रीडिंग ही कर रहे हो, फाइनेंशियल रीडिंग भी कभी कभी किया करो। तो फाइनेंशियल रीडिंग मैं करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लव रीडिंग ही करना चाहती हूँ। आप मेरा पिछला अगर पास्ट का बैकग्राउंड सारा देखोगे, मेरी हिस्ट्री देखोगे मेरे पेज की, तो मैं हर तरीके की वीडियोस डालती थी, पर उसका रिस्पांस लोगों का उतना अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मैंने पिछले लास्ट ईयर से मैंने लव रीडिंग को, सिर्फ लव रीडिंग को करना स्टार्ट किया, तब लोगों का रुझान आना स्टार्ट हो गया, तब मुझे सक्सेस मिली है। तो हमारा काम क्या हो जाता है ना, जो दर्शक देखना चाहता है हम उसे ही दिखाते हैं, फिर वही चीज़ दिखाते हैं। अब आप मुझसे, बहुत से लोगों ने फाइनेंशियल रीडिंग के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, चलिए आज मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ फाइनेंशियल को लेकर के। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इस टॉपिक पर भी वीडियो बनेगी। लेकिन दूसरा एक और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट बहुत कम लोगों का मिल रहा है, थोड़ा सा यूट्यूब पे मेरा सपोर्ट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि लव रीडिंग के अलावा बीच बीच में ऐसी रीडिंग्स आते रहें, तो ऐसी रीडिंग्स को भी सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर मैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रीडिंग करने वाली हूँ कि आपका फाइनेंशियल कब स्टेबल हो पाएगा, कब सिक्योर हो पाएगा, इसके विषय में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो पाइल्स बनाई हुई हैं, फर्स्ट पाइल एंड सेकंड पाइल। मैं यहाँ पे आपको क्लोजअप दे देती हूँ। फर्स्ट पाइल में है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड सेकंड पाइल के रूप में है यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों एक दूसरे की पूरक है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। जिस एनर्जी से अपने आप को रिलेट कर पाए उस एनर्जी को अपने लिए पिकअप पाइल चुन सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में जा कर के फॉरवर्ड करके, अपना टाइम फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल वन से। ओके, तो हम पाइल वन को यहाँ पे रख लेते हैं और देखते हैं आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं पाइल वन से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल वन के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल वन के लिए, पाइल वन के लिए गाइड कीजिएगा उनकी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिएगा फाइनेंशियल के लिए, आप क्या गाइड करना चाहते हो, क्या उनके लिए एनर्जी से, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पाइल वन को। वन टू थ्री, थ्री कार्ड्स मैं इस कार्ड से ले रही हूँ। बॉटम में हमारा है एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके कार्ड्स में यहाँ पे रख ले रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ आपके राइडर डेक के टैरो डेक से कुछ स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, बाद में इन कार्ड्स को हम देखेंगे, क्योंकि बॉटम में भी अगर आपको याद रहे तो एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो पैसे की शुरुआत तो भाई हो गई है आपकी, ठीक है, पैसे का नया सोर्स आपके लिए बॉटम में आते हुए दिखाई दे रहा है फाइनली। तो कार्ड्स की शुरुआत ही अच्छी हुई है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए कुछ और देख लेते हैं क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। मैं कुछ पास्ट और प्रेजेंट की बात बताऊंगी, अगर आपको वो रिलेट करती है तो फ्यूचर आपका वो ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो आप उस फ्यूचर को आप रिलेट कर पाओगे और उसको क्लेम कर पाओगे। तो पाइल वन के लिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल वन के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा उनके पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। ओके, मैंने उल्टा डेक इसको भी पकड़ा हुआ है, क्या है इनके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड, द टावर, बॉटम में कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड का। देखो भाई, क्लियर ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप पैसों के मामले में बड़े धनी रहे थे,
आपके पास पैसा, रुपया, रुतबा, कम सबसे ज़्यादा आपकी जो अर्निंग स्किल थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत वाइजमैन थे आप, और आज भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि आज भी, आज नहीं हो, आज भी आप बहुत वाइजमैन हो और आज भी बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हो, ठीक है। लेकिन पास्ट के कुछ लोगों के साथ में ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा कि सामना हुआ है आपका, जिन्होंने आपको फाइनेंशली बहुत बड़ा नुकसान दिया है, ठीक है। कुछ लोग थे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें आपका फाइनेंशली बहुत लॉस हुआ, जिसमें आपको तोड़ के रख दिया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशली आपको जैसे किसी ने तोड़ के रख दिया, या सिचुएशन इतनी भयंकर रूप से ख़राब हुई कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। कुछ लोगों को जैसे यहाँ पे किसी ने उनका भाग चुरा लिया, ठीक है, भाग चुरा लिया, उनके हिस्से का कोई मार गया, किसी का आपके हिस्से की प्रॉपर्टी ले ली गई, या किसी के घर में डकैती जैसा हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। आई डोंट नो, जब मैं ये डकैती शब्द बोल रही हूँ तो मेरे आँखों में आंसू आ गए। तो जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया, और सब कुछ होने के बाद में इंडिपेंडेंट एनर्जी थी, पैसा, रुपया, घर, मकान सब था, फ्रीडम के साथ में थे, और अचानक रोड पर आ गए। और ये किसी का बड़ा धोखा भी हो सकता है, विद बॉटम कार्ड ये किसी का बड़ा धोखा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ा गया है। आप बहुत भयंकर विकट स्थिति का सामना अभी तक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने रिकवरी भी कर ली है, काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली है, लेकिन इतना तगड़ा नुकसान के बाद में रिकवरी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, अभी आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, पिछले 3-4 साल से तो आप कोशिश बहुत कर रहे हो, पर आपसे रिकवरी हो नहीं पा रही है। आप मुझे यहाँ पे से दिखाई दे रहा, आप पॉलिटिक्स में भी फंस गए हो, यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी एनर्जीज दिखाई दे रही। पॉलिटिक्स में इतना, ये फैमिली की पॉलिटिक्स भी हो सकती है या मार्केटिंग की पॉलिटिक्स भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी गलतियां भी रही हैं, आपने जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया, आपने प्रॉपर उस की डॉक्यूमेंट हिस्ट्री को नहीं टटोला, जिसने जैसा बोला आपने उसी पर विश्वास कर लिया, डॉक्यूमेंट साइन करते समय भी आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी फाउंडेशन को मजबूत नहीं रखा, ठीक है, आपने फाउंडेशन को मजबूत नहीं किया, कोई बिजनेस खड़ा किया, मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई बिजनेस खड़ा किया लेकिन हवा हवाई किलो पर, किसी ने बोला आप ऐसा कर सकते हो, आप उतने सक्षम नहीं थे, उतने मजबूत नहीं थे, फिर भी आपने शुरुआत कर दी और डाउन। चलिए, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की एनर्जी तो ये हो गई कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। चलिए डिवाइन, अब गाइड कर दीजिए आने वाले फ्यूचर में इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है, और कब तक ये फाइनेंशियल स्टेबल एंड सिक्योर हो जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पाइल वन को, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा पाइल वन को। नाइट ऑफ कफ, एस ऑफ वैंड, टेन ऑफ वैंड्स, बॉटम में कार्ड है द सन का, ओके, ये रिवर्स में है, द सन का कार्ड है। तो देखो भाई, यहाँ पे आपके बिजनेस की सक्सेस तो है, बिजनेस में सक्सेस आपको मिलेगी, कोई डील आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। मुझे एक महीने के अंदर की एनर्जी मिल रही कि एक महीने के अंदर आपको कोई ऐसी डील मिलेगी जो आपके बिजनेस को, आपकी फाइनेंस को ग्राफ ऊपर लेकर के जाएगा। आपके जितने भी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल आप झेल रहे हो, बर्डन झेल रहे हो, इसमें ये आपको थोड़ा सा राहत देगा, थोड़ा सा ही राहत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बड़ी राहत नहीं है, थोड़ी सी राहत ही है।
आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है मुझे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आप मांग रहे हो वो मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। और उसके लिए कम से कम मुझे यहाँ पे 1.5 साल का टाइम लगते हुए दिखाई दे रहा है। मैं अभी टाइम को दोबारा से चेक करूँगी, ठीक है, क्लियर टाइम नहीं अभी बता रही हूँ, लेकिन इन कार्ड से 1.5 साल का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करना कभी मत छोड़ना। ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ कि आप अवेयर नहीं रहे। विश्वास कीजिए, अवेयरनेस के साथ में आप फिर से अपने बल पर खड़े होंगे। आप उठिए, आप उठेंगे तो फिर से अपने बल पर खड़े होंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं कि कब तक आप फाइनेंशियल सिक्योर हो जाएंगे। एक मिनट में आपके पहले इन कार्ड्स को देखना चाहूँगी। पेज ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड। ओके, इन कार्ड से मुझे यहाँ पे जो मैंने एनर्जीज मैंने पाई हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। ये दिमाग के बल्ब हैं, ठीक है, ये आइडियाज़ है कि कैसे इस सिचुएशन से निकला जाएगा और इस सिचुएशन से आप निकल पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल होकर के सोचना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड क्या है ना, ये प्रैक्टिकल होकर के सोचती है, ये किसी इमोशंस में नहीं पड़ती है। तो कौन क्या है इससे आपको नहीं मतलब रखना है, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर के बात करनी है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके घर में पैसों की बरसात होगी, पैसों की बरकत होगी, आपके सत्कर्मों की आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, आपके सत्कर्मों के आपको रिजल्ट मिलेंगे। कब तक आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे मुझे प्लीज़ डिवाइन क्लेरिफिकेशन दीजिए कि कब तक इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबल कब तक हो जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइल वन कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आए हैं। यहाँ से भी ऑफर्स है, यहाँ पे भी ऑफर्स है, आइडियाज़ और ऑफर्स, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन अगर पास्ट का फेलियर का करते रहे ना, कॉन्फिडेंस को बूस्ट नहीं किया ना, तो ये सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे, ठीक है। तो जो हुआ उसको भूल करके अपने परिवार के लिए आगे बढ़े। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, परिवार है। 10 ऑफ कप्स क्या है, आपका परिवार है, आपका सत्कर्म है। तो अपने परिवार के ऊपर फोकस कीजिए, अपने लिए आगे बढ़िए, अपनों के लिए आगे बढ़िए। और ऐसा करते हो तो 2 साल में ही आप सारी फाइनेंशियल रिकवरी करने में आप सफल हो जाओगे, ठीक है। 2 साल बस आपको मेहनत करनी है और 2 साल में आप फर्श से अर्श पे पहुंच जाएंगे। तो यस पाइल वन, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बाय। हाय पाइल टू, तो जिन्होंने पाइल टू चुना है, चलिए जानते हैं कि उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी कब तक इनको मिलेगी। तो कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं और कुछ कार्ड को पुल आउट कर लेते हैं आपके लिए। चलिए डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। जिन्होंने पाइल टू को चुना है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल टू के लिए, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो पाइल टू के लिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल टू के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 कार्ड आपके लिए हमने निकाल लिए हैं, जो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ आपके फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए। और बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का। कहीं ना कहीं किसी
किसी तो आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी को प्लानिंग में आपका काम है, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को, बेहतरी को बढ़ाना चाहते हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी चीज़ का तो वेट कर रहे हो। चलिए अब हम आपके लिए कुछ पास्ट एंड प्रेजेंट के कार्ड निकालते हैं। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच कर रहा है तो आपका फ्यूचर ज़रूर आपको वही मिलेगा। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे पाइल टू को फाइनेंशली, क्या है उनका पास्ट एंड प्रेजेंट। प्लीज़ डियर एंजल्स, प्लीज़ डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा पाइल टू के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, गाइड कीजिएगा पाइल टू के लिए, क्या है उनका पास्ट एंड प्रेजेंट, क्या है उनका पास्ट प्रेजेंट उनके फाइनेंस को लेकर के, उनके फाइनेंस को लेकर के क्या है पास्ट एंड क्या है प्रेजेंट। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वैंड, द जजमेंट। बॉटम में कार्ड है सेवन ऑफ कप। ओके, देखो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइल टू कि आपने पास्ट में, आपके पास पैसा, रुतबा, बहुत कुछ था, पर अंदर से कहते हैं ना, सेटिस्फेक्शन नहीं थी आपको। आपने बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहे पैसों के मामले में, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, और इस महत्वाकांक्षा की वजह से आपके जो आसपास के लोग थे उनसे थोड़े से आप कट गए। आप समझ नहीं पाए लोग जो है ना वो इंसान है, आपको उनसे जुड़ना है। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल होकर के सोचते रहे, और आपने हमेशा सिर्फ बिजी, आपका शेड्यूल रहा सिर्फ बिजी शेड्यूल रहा, और इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा जैसे आप बहुत बड़े डे ड्रीमर बन गए। तो मैंने हमेशा बात कही है, डे ड्रीमर और विजुलाइजेशन में फ़र्क होता है। जो आप सपने देखते हो अपने जीवन में कुछ करने के लिए, महत्वाकांक्षा बनाते हो, उनका जज्बा भी होना चाहिए करने का, और यहाँ पे जज्बा नहीं है, एक्शन नहीं है, ख्याली पुलाव है केवल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं आपने सपने बहुत सारे सजाए लेकिन उतने एक्शन नहीं ले पाए जितने आपको एक्शन लेने चाहिए थे। आपने प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत बना डाली, ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत बना डाली, और कहीं ना कहीं आप इसी वजह से, कहीं ना कहीं देखो ये क्वीन ऑफ सोर्ड है, इसका क्या है ना, जब ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है ना तो ये इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेती है अपने अंदर। इसके अंदर भीतर क्या है कोई नहीं जान सकता, ठीक है, ये दिखाती तो है बाहर से कि बहुत कठोर है, पर अंदर से जो मुलामियत है ना, सॉफ्टनेस है ना, वो कोई नहीं देख पाता, फिर लोग उससे कट जाते, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा कि जैसे आप बहुत ही लॉजिकल रहे, बहुत ही प्रैक्टिकल रहे पैसों के मामले में, और जो भी आप काम करना चाहते थे, जो भी सपना देख रहे थे उसके लेकर के बहुत ज़्यादा तो बिजी रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डी ड्रीमर है। मुझे यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो, तो बिजी रहने की वजह से आप अपनों को समय नहीं दे पाए, और उसकी वजह से लोग आपसे दूर हो गए। अब जब लोग दूर हो गए तो आपका जब ये जजमेंट का काम आया तो कहीं ना कहीं आपके पास दोनों में से दोनों ही चीज़ें नहीं थी, ना तो पैसा ही रहा, ना ही परिवार ही आपका रहा, ना ही रिश्ते आपके पास, मतलब दोनों तरफ से ही जेबें आपकी खाली मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, जो भी आपने सपने देखे थे वो सपने कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर हो गए। ठीक है, कुछ भी आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, जो प्लानिंग की थी उसके सारे उल्टे हुए। मैं थोड़ा सा किंग ऑफ वैंड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा किंग ऑफ वैंड्स को, प्लीज़ किंग ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करिएगा। यस, आप अपनों के विरुद्ध ही आ गए, पैसों को
पैसों के मामले में इतना, देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये भी मिस्ट्रीक एनर्जी है, ये भी अपनी बातों को शेयर नहीं करती है किसी से, ठीक है। और देखिए ये भी फोर ऑफ पेंटिकल्स, पैसों के मामले में आप रिश्तों से नई शुरुआत नहीं कर पाए, भरोसा नहीं रख पाए अपनी फैमिली के ऊपर, अपने अंदर छिपाव रखा आपने, और घर की खुद की हो सकता है कि घर में जो आपकी श्रेष्ठ आपकी माँ है या आपकी पत्नी है या आपकी बेटी है, कोई भी फेमिनाइन एनर्जी जो थी ना, इस बात को लेकर के बड़ी हर्ट हुई। तो कहते हैं ना घर की लक्ष्मी नाराज होना, वो चीज़ भी आपके साथ में हुई, तो कुछ ना कुछ ड्रामा भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप फैमिली से बहुत ज़्यादा कटते रहे हैं, और जिसका नुकसान आपको ये हुआ है कि आपके पास जो पैसा प्रेजेंट टाइम में है पैसा ही रह गया, कुछ लोगों का तो पैसा ही पैसा रह गया, रिश्ते कहीं चले गए, तो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, क्योंकि लक्ष्मी, अगर घर की लक्ष्मी ही नहीं हो तो वो लक्ष्मी भी लक्ष्मी जैसे रास नहीं आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे लॉजिकल प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा आपका रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में आप ज़्यादा रहे हो, जो भी आपके माइंड में चलते रहा, जो भी आपने प्लानिंग की बस उसी पर रहे, आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। कुछ ऐसा पास्ट और प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपका पास्ट प्रेजेंट हो गया, अगर आप रिलेट कर पाए हो, थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए, आई नो ये बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत लोग इसको इग्नोर करेंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, पर दिल से मैं अगर कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के आप अपने परिवार से कटते रहे हैं, ठीक है, या आपने फाइनेंशियल चीज़ों को चक्कर में अपने परिवार को दूर रखा है अपने से, ठीक है। चलिए आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन फ्यूचर में क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है पाइल टू के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, पाइल टू के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। पाइल टू के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एंड बॉटम में फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो यहाँ पे आपके लिए वेकिंग कॉल आई है, ठीक है, ये वेकअप कॉल है, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे दी जा रही है इन फ्यूचर में, जो भी आपके ऊपर लोन चढ़े थे, अगर आपका कोई पास्ट में लोन भी चढ़ा है, पास्ट का कोई कर्जा है, या किसी ने आपसे पैसे उधार लिए थे जिसकी वजह से आपके और उसके संबंध खराब हो गए थे, मुझे अब यहाँ पे ये पिक्चर भी समझ में आ रही है कि किसी पर्सन ने आपसे शायद पैसे लिए थे और उसके बाद में उस पर्सन से साथ में आपके संबंध खराब हो गए, तो अगर ऐसा हुआ है तो आपका वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उस पर्सन से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, ये होप छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है आपका फाइनेंशियल सिक्योर है, स्टेबल है, अपने वर्क के ऊपर काम कीजिए, अपने पैसे को जो अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम पे उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप उसके ऊपर नहीं ध्यान रखोगे तो ये जो पास्ट का पर्सन है जिसने आपको ये जिसने आपसे पैसा लिया या जिससे आपने पैसा लिया, ये पर्सन आपकी इस इन फ्यूचर में आपके आकर के आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बाय द वे ये पाइल वन में भी आया था, तो मे भी आप पाइल वन को चूज करना चाहते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों में अवेयरनेस के साथ में पैसा लेना और पैसा देना है इन फ्यूचर, तो और भी ध्यान देना है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपसे रिश्ते टूट जाएं या आपसे पर्सन दूर चला जाए, ऐसा पर्सन जिसको पैसे देने से आपके और आपकी रिश्ते से दूरियां बन सकती हैं, आप उसको पैसे को दे करके उसका मोह नहीं त्याग सकते हैं, तो ऐसे पर्सन को पैसे मत दीजिए। और जिस पर्सन का पैसा आप नहीं चुका सकते हैं तो ऐसे पर्सन से पैसा मत लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत सारी
वर्क दिखाई दे रहा है, पैसों के मामले में पैसों की अबंडन आपके लिए आ रही है, आपका खुद का पैसा, आपकी खुद की कमाई का, बहुत सारी मेंटल क्लियरिटी, बहुत सारे डिसीजंस जो आपके राइट बैठेंगे, जो आपके इन फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के आएंगे। लेकिन अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, लॉजिकल के साथ में थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी को भी मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। और पैसा लेन देन पे बहुत अवेयरनेस रखनी होगी। देखिए पेज ऑफ पेंट्स है, द मून है, किसी की बातों में, देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, किसी दूसरे की बातों में आकर के पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है इन फ्यूचर में। ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर में जब आपके पास ढेर सारा पैसा हो जा रहा है, किसी की बातों में आकर के पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, कि स्टॉक मार्केट में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, या ऐसे बिजनेस में लगा दिया, ये नहीं करना, नहीं तो पैसा डूब भी सकता है, ठीक है। अपने आइडियाज पे विश्वास करना, दूसरे के आइडियाज पे विश्वास नहीं करना। अभी मैं आपके यहाँ पर आपका पूरा कब पैसा आपकी सिक्योरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कब मिलेगी बाद में देखूंगी, पहले इन कार्ड्स को मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आए हैं। यहाँ पे है आपके लिए फोर ऑफ वैंड्स, द बर्डन एंड फाइव ऑफ सोर्ड। अगेन वही एनर्जी आपके लिए आई है कि आपको फाइनेंशियल चीज़ों के लिए किसी पर विश्वास नहीं करना है और पैसों का बर्डन लेकर के नहीं चलना है, उसको थोड़ा सरेंडर के लिए। अगर लोग आपसे कट गए हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको लेट गो करना है। अभी इस समय आप पैसों के साथ क्या कर सकते हो, जितने पास आपके पास सोर्सेस है उसमें से आप क्या नया क्रिएट कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पर पैसों के मामले में सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई प्लॉट, कोई ज़मीन, कोई गैजेट यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो, व्हीकल हो सकता है कि कोई ख़रीदना चाहते हो तो आप ले सकते हो। पर अगेन कहूँगी, इन फ्यूचर पैसा बहुत आ रहा है, इन्वेस्टिंग थोड़ा सोच समझ के करिएगा, ठीक है, अवेयरनेस के साथ करिएगा, और ज़्यादा होश में जोश मत खोइएगा, ठीक है। चलिए आपकी देखते हैं आने वाले समय में कितने सालों में आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी बन जाएगी, कब तक आपकी फ्यूचर पैसों के मामले में स्टेबल एंड सिक्योर हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल टू को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल टू को। ओके भाई, आपका भी सेम कार्ड का मैसेज आया। देखिए बॉटम में कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका पैसा का, लास्ट में पैसों का एकदम भर भर के दुकान खुल रही, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने कार्ड चुना था, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पास आ गई, तो पैसे तो दो दो सोर्सों से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसों की हारमोनी आपकी तरफ बनते हुए दिखाई दे रही। आपका जो भी सत्कर्मा है, आपने किसी को अगर दान में पैसा दिया था और उसने नहीं दिया, आपका लौटाया नहीं पैसा, किसी को दिया था उधार, कोई बात नहीं, विश्वास करिए वो पैसा डिवाइन आपको वापस दिलाएगी, ठीक है। आपने 10 दिया था, आपको वो 1000 देगी, 100 का है जो लाख देगी, ठीक है। डिवाइन पे भरोसा रखिएगा, स्ट्रेंथ अपनी बना के रखिए, आप इम्परर हो, आप पैसों के सम्राट के हो, देखो ना आप इम्परर हो, पैसों के सरताज हो गए आप तो, ठीक है। मैं अगर बात करूँ तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो अगले 2 साल में ही आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के शिखर पे होंगे, आप फाइनेंशली इतने आत्मनिर्भर हो जाओगे कि ऐसे छोटे मोटे उधार ऐसे भूल जाने वाले होंगे, ठीक है। तो यस, इतना शोक मत कीजिए, जिसने भी पैसा उधार लिया है या आपने किसी से लिया है, छोटा टाइम पैसे ये भी गुजर जाएगा। चलिए आज की रीडिंग अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बाय।